दिल से एक ही बात कहूँगा कि किसी को भी जान बचाना इस ज़िंदगी में सबसे नेक काम है, और वॉकहार्ट ने 5,000 बच्चों को हेल्प किया है जिनको कंजेनिटल डिजीज़ हैं और हार्ट डिजीज़ है, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि किसी की जान बचाना आई फील सबसे बड़ी बात होती है. सो आई एम रियली इमोशनल, रियली टच्ड एंड थोड़ा इंस्पायर्ड भी हूँ. एंड आई एम सो हैप्पी दैट मैं आप आया और मुझे ये सीख मिली, और मैं भी कोशिश करूँगा आगे जाके वॉकहार्ट अगर कुछ कर सकती है जहाँ पे मैं थोड़ा सा भी मदद कर सकता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूँगा. हाँ, जो जैसे मैंने कहा ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं दाद देता हूँ उनको, बिकॉज पैसे तो बहुत सारी कंपनीज कमाती है, बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन दिल सबके पास नहीं होता. बस आई वॉज वेरी हैप्पी एंड नितिन सर ने बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई और इतनी तारीफ हुई फिल्म की, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ मित्रों. एंड 100 मिलियन, हाँ 100 मिलियन, 1 बिलियन, वो 1,000 होता है एक्चुअली, हाँ 1 बिलियन. मैं बस ये कहना चाहूँगा आई एम वेरी हैप्पी. म्यूज़िक क्यूरेट किया था मैंने, तो मैं थोड़ा नर्वस था कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी कमरिया का 100 मिलियन हुआ है, सो आई एम जस्ट हैप्पी. हम वॉकहार्ट के बारे में बात कर रहे हैं सर, सर बहुत हम एक अलग चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यस नहीं नहीं वॉकहार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन गलत है. थैंक यू डॉक्टर हर्ष भाईजान, एज अफेक्शन I am really humbled to be here this evening amongst all you distinguished guests, and marvelous effort by Rotary Club Bombay Bayview and the Workhard Foundation. I was reading somewhere that 300,000 children unfortunately suffer from some anomaly of the heart at the time of their birth, and very few of them survive this unfortunate situation due to lack of funds. And this endeavor that Workhard Foundation and the Rotary Club have put together, I think this is a very noble cause, and we should all not only support it but do something fantastic like this and continue to donate to such kind of endeavors, because all these children definitely deserve an opportunity to live. And with the Workhard Foundation and the Rotary Club, I have no doubt that this is a huge step, and I believe Rotary Club and Workhard Foundation have been doing this noble thing for a while. So I wish them all the very best, and I'm really, really once again humbled to be a part of this. Thank you very much. देखिए बहुत ही बढ़िया इवेंट है कि ये रोटरी क्लब बॉम्बे बेव्यू और वर्कहार्ट फाउंडेशन जो कर रहे हैं. जब मुझे पता लगा कि छोटे बच्चों के लिए जो जिनकी हार्ट की प्रॉब्लम है, और जब संख्या मालूम पता कि ऑलमोस्ट 3 लाख बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके वो दिल के मरीज होते हैं, किसी के दिल में छेद होता है या कुछ होता है, और इनमें से कई लोग बच्चे होते हैं जो सर्वाइव नहीं करते हैं, तो रोटरी क्लब और वर्कहार्ट फाउंडेशन जब मिल करके ऐसे एक चैरिटी इवेंट करते हैं जहाँ पे पैसे जमा करके बच्चों की सर्जरी और ऑपरेशन करवाते हैं, तो आई थिंक एज एन एक्टर अगर मैं ऐसे फाउंडेशन का मैं साथ दे सकता हूँ, हिस्सा बन सकता हूँ, तो आई फील वेरी हम्बल्ड एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया. और मैं समझता हूँ कि हर कोई एक्टर या कोई भी इंसान कोशिश करता है कि अपने मन को थोड़ा हल्का करने के लिए कुछ ना कोई डोनेशन करे, कोई ना कुछ करे. सो आई ट्रूली विश द रोटरी क्लब एंड द वर्कहार्ट फाउंडेशन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस. बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो मेरा ख्याल से वर्कहार्ट फाउंडेशन एंड रोटरी क्लब कर सकता है, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान है,
आंकड़े तो हमेशा बढ़े ही रहेंगे, इट इज़ अनफॉर्चुनेटली ट्रू, लेकिन हिंदुस्तानियों का दिल भी बड़ा है और हौसले बुलंद रहते हैं, तो जब वो थाम लेते हैं कि कुछ करना है तो वो लोग करते हैं। अवेयरनेस कैंपेन वगैरह सब होते हैं, टू टेल यू, ये सब क्या है ना, ये जिंगलबाजी और बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स हैं, लेट मी टेल यू। ये चीज़ें गवर्नमेंट तो करती रहेगी, बोलते रहेगी, सट्टा हर चार साल पाँच साल बदलता रहेगा, ये हर कोई आता है कोई डायलॉग मार के चला जाता है। टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, एज अ सिटीज़न मैं मानता हूँ, सिटीज़न गवर्नमेंट को भी चेंज करता है, सिटीज़न को हर चीज़ को अपने हाथ में ले करके करना चाहिए। अब जैसे ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं या प्राइवेट लोग हैं, जैसे रोटरी क्लब हैं, वर्कहार्ट फाउंडेशन है, अगर हम खुद सिटीजन्स को मोटिवेट करते हैं और ऐसे रास्ते अपनाते हैं, चैरिटी फंक्शंस करते हैं, तो मेरा ख्याल से एज अ सिटीज़न खुद ही करेगा तो गवर्नमेंट को खुद ही उठ करके करना पड़ेगा, क्योंकि सिटीजन्स ही हैं जो गवर्नमेंट को भी पीछे छोड़ करके आगे चले जाते हैं। ये हर हमेशा ये नारे लगाना कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, ऑनेस्टली ये वो इंसान करता है जो खुद हार जाता है या खुद करना कुछ नहीं चाहता, हर चीज़ वो टोपी गवर्नमेंट की टोपी पे बनाना चाहता है। आई डोंट थिंक वी शुड डू दैट, गवर्नमेंट करती रहेगी जो उसे करना है। आई थिंक एज सिटीजन्स वी शुड बी एक्टिव, प्रोएक्टिव इन डूइंग ऑल दिस थिंग्स। मैं तो बिग बॉस वन का जीता था, मैं तो जब भी मुझे फुर्सत होती है डेफिनेटली मैं देखता हूँ। अनूप जी के बारे में तो यही कहूँगा कि मैं डेफिनेटली उनका फ़ैन हूँ, फ़ैन रहा हूँ, एंड आई एंजॉय हिज म्यूज़िक, एंड जो मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो किस तरीके से अपने आप को हैंडल करेंगे इन बिग बॉस, आई सॉ दैट, वो बड़े डिग्निटी के साथ खेले थे। बाकी जो भी चल रहा था, आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट, वो तो मैं उन चीज़ों को ज़्यादा मद्देनज़र रखता नहीं हूँ मैं, बिकॉज दैट इज़ समबडीज़ पर्सनल वे, बट मैं उनके कला को बहुत मानता हूँ, इज़ अ फैंटास्टिक सिंगर, एंड हमारे इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत नाम कमाया है, लोगों के दिल में बहुत नाम कमाया, सो आई गिव यू रिस्पेक्ट फॉर दैट। मेरी 7 फिल्में हैं अभी, 11 जनवरी को देयर इज अ मूवी कॉल अ थिन लाइन जो रिलीज़ हो रही है, दोनों इंग्लिश एंड हिंदी में PVR सिनेमाज में रिलीज़ होंगे। उसके बाद सयोनी नाम की एक फिल्म है, वो रिलीज़ होगी, नाइट एंड फॉग होगी, रहबार होगी। सो जनता, कीप गिविंग मी योर ब्लेसिंग्स एंड लव, यू विल वॉच मी अगेन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोटरी क्लब से हमारा बहुत पुराना संबंध है, 1960 से, माई फादर वॉज अ रोटेरियन, मैं भी अभी रोटरी मेम्बर हूँ, और सबसे बड़ा काम जो रोटरी क्लब ने आज तक किया है वो है कि दुनिया से पोलियो को भगा दिया, जोरदार तालियां इसके लिए। लेकिन उसके बाद फिर उनका मल्टीपल ट्रांसप्लांट हो रहा था, हार्ट और किडनी का, वो झेल नहीं पाई और उनको संसार से जाना पड़ा। तो मैं बहुत जुड़ा हूँ इस काम से, कभी भी मेरी ज़रूरत हो आप बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा और दिल से आ जाऊँगा। थैंक यू, मैं आपको थोड़ा गाना सुना। या गाना सर, वी ऑल लुकिंग फॉर योर सॉन्ग।